संदहा रोस्तमपुर वार्ड नंबर 17 से संभावित पार्षद प्रत्याशी रामदुलार यादव डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम ने रामदुलार यादव ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या, वही समाज सेवी के रूप में क्षेत्र का कर रहे हैं विकास। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की बाकी समस्या को करूंगा दूर, सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी फोर्थ पिलर की टीम वार्ड नंबर 17 में पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ सपा से पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ रामदुलार यादव जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और क्या कुछ उनका राजनीतिक करियर रहा, आइए उनसे जानते हैं। रामदुलार जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए अपना। रामदुलार यादव, ग्राम सभा रुस्तमपुर, जिला वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ। और जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस बार आप पार्षद चुनाव के लिए उठ रहे हैं, अगर सपा से टिकट आपको मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरेंगे? वार्ड नंबर 17 में पहले तो बता दूं कि 13 बूथ है जी और करीब 18,000 मतदाता हैं और 17 नंबर वार्ड यादव बाहुल क्षेत्र है, पहला प्राथमिकता है। दूसरा हमारे मुद्दे क्या हैं, पहला तो स्वास्थ्य, शिक्षा और समस्या, तीन मुद्दा है। हाँ, ये भी जानना चाहेंगे कि आप राजनीति से भी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं तो उस करियर के बारे में कुछ बताइए। मैं 17 जनवरी 1989 की रविवार का मैं कर सकता हूँ। पहले जनता दल हुआ करती थी, फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1992 समाजवादी पार्टी बनी, तब से मैं समाजवादी का एक अदना शासनकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। और जब समाजवादी पार्टी बाद में बनी तो मैं उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले पर चुनाव लड़ा और मात्र 16 चुनाव में हारा। हमारे साथ जो लोग विधायक मिनिस्टर और कुछ और बड़े बन चुके, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से काम करता रहा। और ये पहली बार चुनाव गांव सभा का लेने जा रहा हूँ नगर निगम वाला। आप कहीं पूछ सकती हैं हमको, रामचंदीपुर हो, मोकलपुर, बबराहा हो, चांदपुर, चितौना, जालूपुर, रमना, मिर्कोपुर, तोपापुर, सिंह, बराई, बंजासनपुर, चिरेगा, रुस्तमपुर, मेहूरी, संदहा, जिरामनपुर, सिंहपुर, हरिपुर, सुल्तापुर, पकेरवा, हिरजयपुर, गुलदार, रजनैया, आलोपुर, मिलिया, गोरूपति, भैसवी, आशापुर, फिल्मापुर, लेहरपुर, दीनापुर, हाजीपुर, कुटवा, रघुरा, भमनपुरा, मरणी, बंगा, झाटीपुर, गिरधरपुर, जालपुर, सहा, नारायणपुर, जूठा, दुबई, हरादर, भदमा, ऐसा कोई गांव नहीं जो मैं पश्चिम मोहताज हूँ। और हमारा राजनीतिक करियर वरिष्ठ नेताओं में है, लेकिन मेरा मनसा है कि कभी गांव का जो विकास है छोटे इकाई से अगर शुरू करेंगे, पुनः शुरू करेंगे, कुछ जनता का, गरीबों का उठाव किया है। बहुत जनता परेशान है और जबकि 1.5 साल से चुनाव नहीं, मेरा काम कोई काम नहीं, मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ता, कोई एप्लीकेशन पड़ता कोई काम नहीं पड़ता है, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो, कोई एक भी चीज काम हो कुछ नहीं हो पाता है। यही समस्या, बहुत समस्याएं हमारे यहाँ। समाजवादी पार्टी में एक सम्मान पूर्वक मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और समाजवादी में पर्चे का मोहताज के लिए हम लोग मऊ नहीं है, मतलब पर्चे के मोहताज की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल में पूरे जिले में अपना पर्चा है एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं नेता के रूप में नहीं रहता हूँ। रामदुलार जी, अभी जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे, लोगों से रूबरू होते होंगे, तो वो अपनी कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके सामने रखते हैं? वही समस्या तो क्षेत्र में एक समस्या बहुत जटिल आती है, जो गांव में जो सीवर नहीं जी, पानी हैंड पाइप लगा है, पानी सड़क बहता है, कीड़े मकोड़े तरह तरह की परेशानियाँ होती, बीमारियाँ होती है, कपड़ा में चिंता रहता है। अगर भविष्य में बस पार्षद हुआ पहला तो मैं सीवर वाला समस्या को हल कराने काम करूँगा, सीवर वाला जो सीवर गांव में होना चाहिए। अब तो नगर निगम हो गया है, लड़ाई लड़ूंगा और काम को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी जो शिक्षा, अगर शिक्षा हर बच्चों को दिया जाए तो आदमी अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। तो शिक्षा बड़ा जरूरी होता है जीवन में, प्रथम प्राथमिकता शिक्षा होता है। अगर शिक्षा नहीं होता तो आप यहाँ हमसे बात नहीं कर सकते, प्रथम प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। जी आपसे यह भी जानते हैं कि हम आपके क्षेत्र में लोगों से बात किया, हमने साफ तौर महिलाओं ने बोला कि शौचालय की बहुत दिक्कतें हैं और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन हो गया, आवास पेंशन हो गया, वो आवास योजना हो गया, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए मैडम, जब कोरोना काल हुआ था जी, तो उत्तर प्रदेश सरकार फ्री राशन का व्यवस्था किया था, तो हमारे गांव से वहाँ अपने गांव बता रहा हूँ रुस्तमपुर में राशन कार्ड जो बना था पीएचएस वाला, बहुत से नाम कटा हुआ था, तो हमारे यहाँ भीड़ लग गई कि नेताजी हम लोग का राशन कार्ड जा रहा है, नाम नहीं है, मतलब महामारी मची थी खाने पीने के लिए जी। तो मैंने 1785 आधार जुड़वाया अपने अपने पैसे से, सप्लाई विभाग से निकल करके और सबका राशन दिलाने में काम पहला काम किया उस समय। उसके बाद अब एक बहुत सी समस्या आई है कि गांव में राशन कार्ड नहीं बना है, 30% जो गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बना है। इसके बाद विधवा पेंशन, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन विधवा 8 महीना से पेंशन बंद है, सब औरतें परेशान रहती है, हमारी किनाती हैं विधवा पेंशन नहीं, नेताजी मिल रहा है, विधवा पेंशन फार्म नहीं भरा जा रहा है, बड़ी समस्याएँ आती हैं। शौचालय की भी दिक्कतें बहुत आ रही है लोगों को। शौचालय में पिछले जो गांव प्रधान थे, कुछ गांव में प्रधान जी लोग अच्छा काम किए और शौचालय में लोग पैसा का हेरा फेरी किए हैं लोग, हमें जितना पैसा 10,000-12,000 आता था उसमें हेरा फेरी करके बना दिए हैं, कुछ प्रधान अच्छे बनाए हैं जी। हमने बात किया लोगों से, उनका यही कहना था, उनकी शिकायतें कोई नहीं सुनता है, तो अगर आपको वो चुनते हैं, अगर आपसे उम्मीद क्या रख सकती हैं यहाँ के क्षेत्रवासी? अब देखिए, अगर जनता हमको निर्वाचित करती है तो प्रथम प्राथमिकता रहेगा शिक्षा समस्या और शौचालय का, हमारे रहेगा ये तीन चित्र अपने करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है कोई, मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये राशन मिलता है वो भी, अगर राशन का कोटेदार राशन सही बढ़ता है, हमारे गांव का राशन सही बढ़ता है, लेकिन नाम नहीं जुड़ पा रहा है, अब जब उसमें जुड़वाए तो नहीं जुड़ रहा है नाम, इसका फिर सरकार या केंद्र सरकार बंद कर दिया है। यह भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि काशी को क्योटो बनाने का उन्होंने सोचा है, तो पर हम जब कई गांव में गए हैं तो ऐसा कई गांव ऐसा भी है जहां पे आने जाने का रास्ता तक नहीं है और फिर जगह पे बहुत गंदगी भी है, तो किस प्रकार से ये क्योटो बनेगा आप बताइए? ये तो हसीन सपने वाली, मुझे हसीन सपने वाली बात कोई मतलब नहीं है मैडम जी, इस पर तक बड़े बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आओ पार्टी के नेता लोग बोल चुके हैं कोई मतलब नहीं है। आप देखिए काशी उजार दिया, आप देखो गए हो, देखिए काशी उजर गया था, कितने बेचारे आज घर जमीन लेकर के अपना गांव ग्राम बसे हैं बेचारे, सब परेशान है, समस्या बहुत है, कोई मतलब नहीं है लोगों का जी। यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से कि वो आपको वोट करें? हम जनता से ये निवेदन से अपील करना चाहूँगा कि हमको आप पार्षद बनावें, अब एक पद का कोई पद नहीं होता है, क्योंकि पद रहता है तो आदमी का विकास का जो मुद्दाएँ हैं, जो मुद्दे होती हैं, काम करने का एक तरीका होता है, जो आपके पास पद नहीं है तो आदमी वे पद कोई काम नहीं कर सकता है, हमसे करते हैं लेकिन जुगाड़ पानी से काम करा लेगा अगला, यही तो होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? यहाँ जनता से मैं यही चाहूँगा कि आप उनको पार्षद के लिए मदद करें, मैं आपका मदद सदा करूँगा। आप देख सकते हैं अभी हमने वार्ड नंबर 17 से पार्षद प्रत्याशी सपा से राम दुलार यादव जी से बात किया, साफ तौर पर उन्होंने यही बोला है कि जब जनता उन्हें सहयोग करेगी तभी वह लोगों की मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ अभी भी वो समाज सेवक के रूप में बहुत कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में भी, और पूर्ण रूप से यह भी कहा है उन्होंने कि जो भी समस्या है वो जीतने के बाद उनका जल्द से जल्द निवारण करेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा, फोर्ट बिलर न्यूज़।